दोस्तों आज के आइफैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम TO2, TWO2 और TOO2 जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को समझेंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को समझेंगे। इस ट्यूटोरियल के बाद आप इन तीनों जो वर्ड्स हैं शब्द हैं उनमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। TO2 का मीनिंग होता है की तरफ। जैसा कि मैं कह सकता हूँ मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। कि मैं मार्केट की तरफ बाजार की तरफ जा रहा हूँ। एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिससे हम कह सकते हैं आर यू गोइंग टू द मार्केट और टू द यूनिवर्सिटी। क्या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। क्या आप यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं? क्या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दोस्तों है TWO2। TWO2 का मतलब होता है दो, एक दो, 1-2। जिस तरह हम कह सकते हैं गिव मी 2 एप्पल्स कि मुझे दो सेब दो। TWO2 दो, ये जो होता है डिजिट मतलब जो होता है 2-2। गिव मी 2 एप्पल्स। और इस तरह हम एक और भी बना लेते हैं आई हैव 2 कार्स मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। जो लास्ट वर्ड है वो है जी TOO2। अब TOO2 का मीनिंग जो होता है इसका मतलब जो है वो हो सकता है मतलब भी, मैं भी ये काम करता हूँ, तुम भी आज तो, या फिर बहुत ज़्यादा। ठीक है, भी के लिए या फिर बहुत ज़्यादा के लिए हम TOO2 को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं आपने मेरे साथ कोई अच्छाई की तो मैंने आपको कहा यू आर टू काइंड, आप बहुत ही मतलब रहम दिल हैं। यू आर टू काइंड, या वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर हैबिट्स कि आप अपनी आदतें जो हैं चेंज जो मतलब किसी की भी आदतें चेंज करने के लिए कभी भी देर बहुत ज़्यादा देर नहीं होती। कोई भी बंदा अपनी आदतें चेंज कर सकता है बहुत ज़्यादा यानी कि टू लेट बहुत ज़्यादा देर। आई एम गोइंग देयर टू, जैसा हम कह सकते हैं मैं वहाँ पर जा रहा, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग देयर। आर यू गोइंग, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, या आई एम गोइंग देयर टू, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह हम बेसिकली जो है इंग्लिश में TOO2 और TWO2 को यूज़ करते हैं। अब टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने हैं इंग्लिश में और उन्हें नीचे दिए गए कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। मैं हूँ आइफैक्टनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आइफैक्टनर।